स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। सर ये हमारे यहाँ पे और ये हमारा बेटा, और अभी हम इसको बेटी मानते हैं। हमारे घर में ये बेटी की तरह है, और मेरी वाइफ कोमल और सागर का हम बनाए रखते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इतना बढ़िया फंक्शन हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहिए सर। शॉर्ट हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कोई अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ एकदम बढ़िया हो गया। और दिलीप जी के आप क्या कहना चाहेंगे? खास दोस्त है मेरे। इनका इंडस्ट्री में इतना नाम है, इतना उन्होंने मुकाम पाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, उसके दो साल से है, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता क्या। लेकिन जैसे रिलेशन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और पता चलेगा सब टैलेंट और कल रुपया। दिलीप जी हर किसी का ख्वाहिश होता है कि सांस्कृतिक बहू घर में आए और अच्छा पूरे परिवार को दे के साथ में चले। आपकी भी ऐसी कुछ ख्वाहिश रही होगी, और आपने अपने बहू में होने वाली बहू में क्या कुछ खास बातें देखी और जो शेयर करना चाहेंगे? मतलब आपने जो शब्द यूज किया है सांसार में रहना, वो मुझे दिखा उसको, वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी बहू आए, और जिस घर में बहू आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ समाज को, तो जिस दिन आती आप उसको भूल जाओ कि वो बहू है, आप उसी दिन उसको अपना दो कि वो आपकी बेटी है। और अगर ये बात आपके माइंड में आ जाएगी तो मुझे लगता है वो घर खुशियों से भर जाएगा। बस आपको इतना सा सोचना है कि बहू नहीं बेटी है, बस इतनी सी बात है। सास ये है साथ में, हर सास को एक ख्वाहिश रहती है कि मेरी बहू संस्कारी हो, अच्छी हो, मेरी बात सुने, नाइन सुबह उठने से पहले चाय बना के देंगे। आपने भी ऐसा कुछ सोचा होगा, और क्या क्या कुछ शेयर करना चाहिए बहू के बारे में? ओके भरत, आज बहुत ही खास दिन है आपके लिए, खास करके हर लड़के को इंतज़ार रहता है घोड़ी पे बैठने का। आज आप आज शुरुआत है, पहला दिन है, पहला मैदान है, घोड़ी पे कुछ सवार होने जा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है कुछ शेयर करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? मन में लड्डू फूट रहे। कहते हैं कि लड्डू खाओ तो पछताओ, न खाओ तो पछताओ, तो कहते हैं कि खा के ही पछता लेते हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे भरत? एक ही बात सबसे होती है, जो शायद भरत जैसे
पड़ेगी आज की शुरुआत को, नए इवनिंग की जी। ये आइटम पे शुरुआत तो आज फंक्शन हुए से, लेकिन ये शुरुआत बहुत दिनों से, और जब मैं भरत को तो मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, उनके दिलीप जी जब मुझे फिल्म में लॉन्च किया तब भरत और ब्यूटी और भूमिका ये सब बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग स्ट्रगल करते थे घर पे आके, और फिर भरत बहुत छोटे थे, हमको कैप्टन बोलते हैं, और आज आईकेएल भी हमारी टीम के कैप्टन हैं और हम सब उनके पीछे टीम में बैठ कर चल रहे हैं और असिस्टेंट कैप्टन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहली बार मैं भक्ति को देखा हुआ यार सही जोड़ी है, और इससे बेटर और कुछ नहीं है, सबका कोई ऑप्शन नहीं है, सो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये हमारा कैप्टन ऑलवेज कैप्टन है। भरत की सास है यहाँ पे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सास हमेशा कुछ ना कुछ छुपा के लाती है दामाद के लिए, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ है कि भरत के लिए? सबसे बड़ी उपहार है, विश्वास है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज आपका एक्सपीरियंस सर इस लवली, ये मेरी फैमिली में द लास्ट मैरिज, दिस इज़ द थर्ड वन, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रोफेशनल मतलब हो गया हूँ, मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने में, तो अगर किसी को भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप मौजूद रहे। सलमान जी कह रहे हो आप क्या कहेंगे? दोस्तों मेरा नाम सागर सलमान पांडे है, और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बैठे हैं ये मिस्टर दिलीप गुलाटी हैं, जिन्होंने मुझे यूपी से लाके मुंबई में एक मुकाम दे दिया और सागर को सागर सलमान बना दिया, तो इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। और अब बता दूं कि आज इनके बेटे, एक ही इनको सन है मिस्टर भरत गुलाटी, आज उनका हल्दी वेदी का ये फंक्शन है, उस फंक्शन में मैं आया हूँ और बहुत धमाल करूँगा, अभी शुरू है और देखिए आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आजीत जडेजा, और मेरा सर जो है हमारे कुए कैमरा फेस कराने वाले, ये है जो आज मेरे मोहल्ले में सर की वजह से मुझे कैमरे के आगे बहुत डर लगता था, फर्स्ट मूवी मैंने किया था 1998 में, बट आज मुझे सब की मूवी कर चुका हूँ, और बहुत बहुत बधाई हो सर लड़के के लिए। थैंक यू सर। आप लोग सब आए हैं, ये मैं तरफदार हूँ आप सब। अरे नहीं नहीं सर, हमारा फर्ज है, और ये कैप्टन की शादी, हम प्यार से कैप्टन होते हैं, और आज थर्ड शादी में हम आ रहे हैं, बट आज देखिए लास्ट फंक्शन करता जो है बहुत धूमधाम से हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और सर बहुत खुश है। मैं मैडम है दीदी बोलते हैं राकेश, वो भी बहुत खुश है, और थैंक यू बहुत किया, बहुत अच्छा लगा। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी अभी एक वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है, एक्चुअली इसी मैंने में शूटिंग की थी, और बट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन की वजह से प्रोड्यूसर्स को डिले करना पड़ा, और नेक्स्ट मंथ हम लोग पे जा रहे हैं, नेक्स्ट न्याय द जस्टिस, और 25 तारीख का स्टार्ट कर रहे हैं, आशीष मेहता है और अश्विन पटेल है, संजय अमृता जी हैं, शंकर जी हैं, और अमन वर्मा जी हैं, गैबी कैद हैं, सिमी खान हैं, उसका कष्ट है, और ये एक्सपीरियंस में बना रहे हैं, और विश्व हो रहा है दूसरा मेरी कभी, मैंने जिसकी लास्ट मंथ मूवी रिलीज करके आया है, जिसमें शक्ति का मुझे फोकस था, मैंने मूवी फिल्म में लॉन्च किया है, एक नेगेटिव कैरेक्टर रानी चटर्जी का कैरेक्टर लेडी सिंगम उसमें भी कर रहे हैं, और अभी मेरा एक और हिंदी प्रोजेक्ट फ्लोर पर जाने वाला है, द टाइटल इज इंडियन वेडिंग, समय इन जनवरी वी आर लॉन्चिंग दैट प्रोजेक्ट, तो बस इस तरह से काम कर रहे हैं बाकी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कैसा रहा आज आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस आज का तो बहुत ही बढ़िया रहा है, मैं भी आज हमारे बड़े भाई साहब के बेटे की, हमारे बच्चे की बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और दिलीप जी कोई भी जो प्रोग्राम रखते हैं वो माशाल्लाह रंग आप भी अच्छा जाता है, और फिर सेलिब्रिटी जो लोग आते हैं वो भी चार चार लगा देते हैं, रखा है डीजे रखा है बहुत बड़े फुल टाइम पूरा रंगीन जैसा मेहंदी फंक्शन होता है वो हिसाब से रंग रंगा करके रखा है, तो जय माता दी, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, गॉड ब्लेस द कपल, जय माता दी। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.
Wow.